हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज़ विजयनी हेयर अगेन। और आपको पीछे नज़र आ ही गया होगा व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग। आज हमारे यहाँ रात जो है वो सीजन की पहली स्नोफॉल हुई। जा रहे थे बाहर और खाना खाना खाने और कुछ काम करने, तो मैंने सोचा है व्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे सब कुछ कितना हसीन खूबसूरत लग रहा है। लाइक एवरीथिंग इज़ वाइट, लाइक मैजिकल, सो यूनिक। और वो मुझे लगता है वो क्रेन से कॉलेज वालों ने वो स्नोमैन बनवाया, क्योंकि बच्चे तो इतना बड़ा स्नोमैन नहीं बना सकते। रात से एक्साइटेड हुए मैं सारे, क्योंकि शान से यहाँ जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट बैजेस आए हैं कोविड के बाद, ऑलमोस्ट 3 बैजेस ही न्यू आए हैं, वो सब एक साथ आए हैं। सब इतने एक्साइटेड थे, लाइक लिटरली मैंने खुद रात देखा कि बच्चे खिड़कियों में चलांग लगा के, क्योंकि डॉर्म बंद होता है, खिड़कियों से चलांगे लगा के और बाहर गए हैं। थोड़ा सा उन्होंने स्नो एंजॉय किया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। लाइक अभी टेम्परेचर लाइक फॉल कर रहा है तो उसके लिहाज से, और सब बहुत प्यारा है। लाइक क्योंकि उनके लिए फर्स्ट स्नो फॉल थी तो वो वहाँ से गए हैं, वहाँ बाहर स्नो फॉल की जो है ना वो सारा बना रहे थे, कर रहे थे और खूबसूरत बना रहे थे। ये हमारे क्लास फेलोज हैं, ये वीडियो और पिक्चर्स बना रहे हैं। लाइक न नहीं, बर्फ की ताकत नहीं ना रही हो। ओके, वो सारे भी वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे हैं। और बच्चों की क्लासेस थी, मैं अभी सो के उठी, इनसे तो बोला उठ जाओ हम ना खाना खाने चले। मैंने भी हॉस्पिटल जाना था। मैं देख रही थी मेरे उठने से पहले हर किसी के इंस्टाग्राम भरी हुई है, लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ। अभी भी एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम भी स्नो होनी है इस पूरे लाइक आई कांट एक्सप्लेन। ऑटम का व्यू है, हवा चलती है तो पत्ते नहीं। आपका कैसा क्या कहना चाहेंगे? आई लाइक दिस एनवायरनमेंट। मुझे हर तरफ बर्फ बर्फ, यहाँ बर्फ नहीं होती थी, मतलब ठंड बहुत होती थी, हवा बहुत चलती थी। और मैंने तो कहती थी बहुत ठंड है, ऐसे है, एंड ही वाज लाइक यार स्नो होनी चाहिए, स्नो होनी चाहिए। मैं कहती स्नो में और बहुत ठंड हो जाती है, नहीं लेकिन स्नो का एक यही चीज, स्नो खाली सिर्फ स्नो रहे ना तो बहुत अच्छा है। लाइक मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम, ना ठंड लग रही है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लेकिन जब हवा चल जाती है ना, दैट वॉज सो बैड, लाइक मर जाता है बंदा। रात हवा चल रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू था। अब हम चलते हैं वहाँ अपनी बाइक लेने और फिर आपसे मिलते हैं। इधर आ गए हैं हम अपने बाइक वाले स्टेशन पे, और हर बाइक के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ नज़र आ रही है। इसका ज़्यादा मज़े का व्यू हमारी डोमेट्री के वहाँ पर है। और ये है हमारी बाइक, लाइक वो सीधी नहीं खड़ी ना, बेचारी पे से सारी वो फिसल गया। लेकिन ये देखें, आप ये कपड़ा बाहर रख के गए थे, बहुत जमी हुई। इनसे टायर देखे हूँ उसके, फुल कवर है। इस चार्जिंग पॉइंट से इनसे इतने बाइक को निकाला है और उसकी हालत इस तरह है, लाइक वहाँ से थोड़ा सा चलाया तो उसकी बर्फ़ उतर गई है, लेकिन उस पर सारी बर्फ़ जमी हुई थी। इसका असल मज़ा तब आता है जब सुबह सुबह हम 6 बजे जब हमारी डोम खुलती है ना, तब हम यहाँ पे आते हैं। इनसे अभी तक किसी ने भी बाइक्स वगैरह ना ली होती और उनके ऊपर जो बर्फ जमी होनी थी और जो व्यू होना था वो बस कर ले। बस अभी इधर तुमने बैठना है। ओके चलो यार, चलते हैं कुछ खाने पीने। मेरे हेलमेट में भी बर्फ। आपको पता था जब स्नो हो रही है तो फिर आप क्यों रख के गए यहाँ पे? अब आपने लेना है इसे? ओके सारे चाइनीज स्टूडेंट्स स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं आफ्टर क्लासेस। सबकी वो देख स्नोमैन बना रहा है, वो देख उसने हाथ भी बना लिया, वाह। सब अपना अपना स्नोमैन बना रहे हैं। खाना
खा के अब हम वापस आने लगे हैं और रात हो गई है, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, हम थोड़ा आगे आ गए हैं। किसी ने बहुत प्यारा सा छोटू सा स्नोमैन बनाया हुआ है। अब हम जाने लगे हैं बाहर, हमें सिटी में कुछ काम है और वहाँ से अपने काम करके जेट बाइक इस पे ले आए और यहाँ से फिसल फिसल गई ना। कितना प्यारा था किसी ने स्नोमैन बनाया, लाइक बहुत प्यारा है। चिंटू मिंटू उसने पूरे पत्तों से उसे ड्रेसअप किया है। और बस अब हमें है थोड़ा सा काम सिटी के अंदर। हमने एक फ़ोन बनने दिया था और मोबाइल फ़ोन वाले का मैसेज आया मुझे, मैंने उससे पूछा है कि हम उसे उठाने आ जाएं या नहीं। वो कहता है ये नहीं बन सकता, तीन दिन हफ्ता रखने के बाद अब वो जब उठाने की बारी आई है तो कहता है जी ये नहीं बन सकता। और अब हम निकल आए हैं बाहर और इस टाइम ये है जी सिटी का व्यू। खुल गया थे मैं रूम में गई थी, वहाँ से जाके शर्टिंग पहनी और शूज चेंज किए और ये स्टॉलर लिया, कैप तो नहीं हुई थी पहले क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है भाई पे और ऐसे लगता रूम वगैरह सब ठीक हो जाए। काम के लिए हम आए थे वो दुकान ही बंद है। इतनी ठंड में मुझे समझ नहीं आता ये चाइनीज दुकानें बंद क्यों कर देते हैं। यहाँ कोई बारिश होती है, कुछ होता है, सब कुछ बंद हो जाता है यार। अभी से 6:30 हुए हैं और अब हम जो है ये TCM सेंटर पे आ गए हैं। जैनी को ना तकरीबन कोई लास्ट 1 वीक से जो है ना वो हेडेक हो रहा था। तो यार हम आए थे मोबाइल उठाने लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मोबाइल नहीं मिला और हमने उस बंदे को वहाँ जा के मैसेज किया कि हम शॉप के बाहर हैं, तो वो कहता है मैं काम से छुट्टी ले के आज घर पे हूँ तो कल लेके जाना। बस फिर यहाँ पे करीब आए हुए थे तो मुझे थोड़ा सा अपना TCM का ट्रीटमेंट लेना था, मेरे सर में पेन थी थोड़ी, वो लिया। और अब हम वापस जाने लगे हैं यूनिवर्सिटी और ये सारा एक तो कहते हैं जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बर्फ़ का जो समा है, लाइक जो सर्दी पूरा हो चुका है, लाइक आई होप सो इस पूरे हफ्ते है कि स्नोफॉल होगी होती रहे। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, आप इसे इंजॉय करेंगे उसी तरह जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। और फिर आपसे मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में।